नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टरी में दोस्तों यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ यस बैंक लिमिटेड की और देखिए ये जो यस yes बैंक है ना इसकी चर्चा इसलिए करनी ज़रूरी है मोर देन थ्री परसेंट जी हाँ तीन प्रतिशत से भी ज़्यादा की गिरावट ये स्टॉक दिखा रहा है और आप जब यस yes बैंक के क्वार्टर फोर के नंबर देखेंगे ना तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि भाई इतने अच्छे नंबर्स के बावजूद आखिर यस बैंक में इतनी भयंकर किस्म की गिरावट क्यों हो रही है ठीक है और इस चीज़ के ऊपर ना एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल्स है इकोनॉमिक टाइम्स का उसके साथ भी हम चर्चा करेंगे और इस चीज़ को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो गिरावट है ये लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेशन का मौका है क्या ठीक है तो यदि आप यस बैंक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं या का एक छोटा सा वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा वीडियो जब लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा तो आप सीधा चलते हैं कम uh, कह सकते हैं शेयर के प्राइस की तरफ देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा स्टॉक बहुत हद तक बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं पिछले एक साल में आप देखें एक लंबा कंसोलिडेशन बेस आया ठीक है आप देखें ये है मई और मई से लेकर के एग्जैक्टली exactly अक्टूबर इतने लंबे समय तक स्टॉक एक लेवल में रहा ठीक है और ये वो पीरियड था जो एक बड़ा कंसोलिडेशन का फेज रहा ठीक है और उसके बाद आप ये शूटअप देखिए ये ह्यूमंग शूटअप फिर ये यहाँ पे गिरावट आई दोस्तों फिर यहाँ से एक बड़ा शूटअप हुआ ठीक है तो एक चीज तो आप समझ लीजिए पहले स्टॉक के लिए अब जो लेवल है दोस्तों वो ट्वेंटी रुपीस ये एक इतना बड़ा ये जो है ना ये वाला ये एक इतना बड़ा सपोर्ट हो गया है ना जिसकी आप कह सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा मजबूती है और ऊपरी से में पच्चीस रुपए अगर यस बैंक ट्वेंटी फाइव को तोड़ करके नीचे क्लोज जी हाँ क्लोज दे देता है और मैं आपको बता दूँ कई आर्टिकल्स अभी तो हम सिर्फ इकोनॉमिक टाइम्स की बात करेंगे कई आर्टिकल्स और कई जगह पे यह कहा जा रहा है कि भाई साहब यस बैंक थर्टी परसेंट तक फॉल हो सकता है और मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे कहीं से भी कोई बहुत एग्जाइजरेशन वर्जन नहीं लगता कि देखिए ऑलरेडी वैल्यूएशन जो है ना बहुत एक्सपेंसिव हो गई है क्योंकि कईयों को लगता है यस बैंक यहाँ से पचास साठ सत्तर रुपये हो जाएगा देखिए होने को कुछ भी हो सकता है अगर बाजार में लिक्विडिटी रहती है और बाज़ार एक तरफ़ा भागता है तो गधे घोड़े सब ऐसे वेल्यूशन पहुंच जाते हैं जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है लेकिन मैं हमेशा कहता हूं रीज़नेबल चीज़ों को भी अपने साथ में जरूर रखिए क्योंकि एट दी एंड ऑफ द डे बाजार अपने भाव में अक्सर आ ही जाता है यस बैंक के लिए देखिए चालीस रुपये जाना फोर्टी टू फिफ्टी के बीच जाना मुझे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है जी हाँ मैं हमेशा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इसलिए बोलता हूँ कि बाज़ार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन हाँ क्योंकि आप समझिए जब ये इस वेरिएशन में जाएगा ना ये इतना महंगा हो जाएगा इतना है महंगा हो जाएगा जिसकी चर्चा भी नहीं की जा सकती और इसीलिए मैं कह रहा हूँ और आज का जो रिजल्ट आया है ये बाजार ने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया था यही कारण है कि ये रैली दिखाई थी और फिर आप देखेंगे इस प्रकार की रैली हो गई थी यहाँ के बाद भी ठीक है तो एक चीज़ ऐसा आप निवेशक कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए अपने आप को एक चीज़ ध्यान में रखिए पच्चीस रुपये नहीं टूटना चाहिए अगर ट्वेंटी फाइव के नीचे गया स्टॉक तो देखिए ट्वेंटी रुपीज़ भी आपको ये ज़्यादा ज़्यादा दिखाई देगा ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू एक बार ये स्टॉक आपको छूते हुए ज़रूर दिखाई देगा ठीक है ये एक चीज़ है अब बात कर लेते हैं कि भाई जब इतने अच्छे नंबर आए हैं तो हम ये इतनी निगेटिविटी क्यों फैला रहे हैं कि भाई पच्चीस टूट जाएगा पचास रुपये चला जाएगा पंद्रह रुपये माफ़ कीजिएगा बीस रुपये चला जाएगा और या थर्टी परसेंट के आसपास की फॉल आ जाएगी देखिए रीजन क्या है आप यहां देखें यस बैंक शेयर प्राइस कैन फॉल टू रुपीज ट्वेंटी एज वैल्यूएशन रिमेन एक्सपेंसिव यह कहना है आईसीआईसी ICIC, का ठीक है आप देखें भाई एक यहां भी, भी लिखा देखिए कमेंडेबल टर्न अराउंड जो हुआ है यस yes, बैंक में मार्च क्वार्टर अर्निंग में डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म आईसीआई सिक्योरिटीज ने ना सेल की रेटिंग दे दी है दोस्तों इस प्राइवेट बैंक में और टारगेट प्राइस रखा है बीस रुपए कह रहे हैं कि भाई जो वैल्यूएशन है ना ये अब अनअट्रैक्टिव हो रही है ठीक है वैल्यूएशन जो है ये अब अनअट्रैक्टिव हो रही है ऐसा क्यों तो देखिए यहाँ पे जो जस्टिफिकेशन दिया गया है द बैंक इज मेकिंग कंसर्टेटेड एफर्ट इन ऑर्गेनिक पी एस एल विच शुड यूज इंक्रीमेंटल आर आई डी एफ बर्डन एडिंग ईल्ड और जो रिटर्न ऑन एसेट की जो ट्रेजेक्ट्री है ठीक है वी एस्टिमेट शाप इम्प्रूवमेंट इन आर ओ वे टू वन परसेंट दो हजार छब्बीस तक और ये मैं बता दूं अगर आर ओ ए में ये कह रहे हैं कि एक परसेंट तक हो जाएगी दिस इज ग्रेट ठीक है लेड बाई इम्प्रूविंग जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना ये सब बढ़ने कारण हो रहा है ठीक है लेकिन ठीक है हाउ एवर रिमेन ठीक है और आप देखें बैंक ने ना अपनी बैलेंस शीट को बड़ा मजबूत किया है ठीक है दो जो प्रॉफिटी रिमेन बर्डन बाय एन बल्कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये जो आरआईडी हमने यहां चर्चा की थी ना ये है बल्कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और यस बैंक का जो लोन ग्रोथ है दोस्तों ये पांच परसेंट क्वार्टन क्वार्टर रहा है जो कि हेल्दी है बट जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो दस परसेंट रहा है जिसमें मार्जिनल राइज देखने को मिला है कासा शेयर में क्वार्टर क्वार्टर इंपॉर्टेंटली स्टॉक ऑफ जो नेट एन है और जो नेट नेट एस है वो भी बहुत मजबूती से इंप्रूव हुआ है ठीक है तो देखिए कहा यहाँ पे ये जा रहा है सिक्योरिटी के द्वारा कि हर एक चीज़ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है बस कंपनी के पास जो ये आर है ना दोस्तों ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वो एक थोड़ा सा बर्डन बना के रखा है वरना हर एक क्षेत्र में कंपनी इंप्रूवमेंट देख रही है लेकिन देखिए जो वैल्यूएशन होती है मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं सो इट्स ओके बट जब इन्वेस्ट करते हैं ना तो वैल्यूएशन में हमें नज़र रखनी रहती है और हमेशा याद रखिए वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट के समय में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहती है ठीक है ट्रेड में तो ये भैया आप स्टॉप लॉस लगा लें गिर गया निकल जाएँ लेकिन जब हम बात कर रहे रहते हैं किस चीज़ की कि इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टमेंट जब मैं कहता हूँ एटलीस्ट तीन साल होती है वो ठीक है एटलीस्ट तीन साल तो उस समय के लिए ना वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव होता है क्योंकि देखिए जब आप एक हाई वैल्यूएशन स्टॉक में लेते हैं बाजार भी अभी वैल्यूएशन हाई है अगर बाजार बड़े स्तरों पे टूटता है ना तो ऐसे स्टॉक जो ऑलरेडी बहुत महंगे वैल्यूएशन में है वो भी बहुत गिरावट दिखाते हैं और आपका जो ये तीन साल का हॉराइजन रहता है उसमें आप मात्र फिर टेन टू फिफ्टीन परसेंट का रिटर्न ले दे करके ले पाते हैं और हमने कई जगह ये देखा है कि भाई साहब तीन क्या पाँच सालों में भी आप रिटर्न नहीं कमा पाते हैं ठीक है तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखिएगा और इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो ऐसे सिक्योरिटी है उन्होंने सेल की रेटिंग दी दोस्तों ठीक है रिटेन किया सेल की रेटिंग को और वो इसीलिए दिया था क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, था ठीक है तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ये बंद है